हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल शर्मा जी। सो गाइस, जैसा कि 11 नवंबर का हरियाणा ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट का, और मैं पहले ही क्वेश्चन डाल दिया हूँ और आपका मैं अब पूरा पेपर का आंसर की एकदम बिल्कुल सही दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इसी तरह न्यूज़ देता रहूँ हरियाणा ग्रुप डी का। तो देखिए, पहले हम लोग शुरू करेंगे हिंदी से दोस्तों। पहला जो आपका है 79 नंबर, वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना था दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा और धनुज भी आपका सही है, डी भी रजनीचर भी आपका मतलब राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। लेकिन जो सुर है वह आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होता, सुर का जो होता है देवता होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 79 का बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 80 नंबर, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, तो यहाँ पर जो आपका ना जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 80 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 81 जो है, टस से मस न होना का मुहावरे का अर्थ बताना था, ठीक है। तो इसमें जो आपका टस से मस न होना का है, जरा भी ना हिलना, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। और देखिए दोस्तों, मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तीन भवनों का समूह त्रिभुवन, यह कौन सा समास है। 82 नंबर जो है, तो तीन भवन का जो समूह होता है त्रिभुवन, ये आपका जो है बता दूं दोस्तों कि आपका द्विगु समास है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में आपको पद का परिचय देना था। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, और आपका वर्तमान काल एकवचन और पुलिंग। तो 83 का जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि आपका पेपर सही नहीं दिखता, तो आप प्लीज़ क्वालिटी को थोड़ा अच्छा से कर लीजिएगा भाई, तो ज़रूर दिखेगा। उसके बाद है 84 नंबर क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो आपका शोक होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका शोक राइट आंसर हो जाएगा, 84 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से सही वर्तनी करना था, ठीक है। तो आपको सही चुनना था कि कौन सा सही लिखा हुआ है। तो देखिए, ये तीनों जो गलत है, ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति जो है ये सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए 85 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 86 है, इसमें आपका मिलान करना था। तो 1 का 27 यानी 1 का जो है आ होगा 75, 2 का क्या होगा 75 आपका अ होगा, तो यहीं से आपको कर लेना था। 1 का आ किस में दिख रहा है, तो ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 86 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सखी शब्द का बहुवचन रूप पूछा गया था, ठीक है। तो सखी, देखिए कल आपका टोपी का पूछा गया था और हाथी का पूछा गया, तो क्वेश्चन आपके उसी तरह आ रहे हैं जैसे क्वेश्चन कल पूछे गए थे। तो सखी शब्द का जो बहुवचन रूप होता है वो सखियाँ होता है, ठीक है। तो सखियाँ आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 88 नंबर, लक्ष्मण ने मेघनाथ मारा गया, इसे कर्तृवाच्य में लिखे। तो लक्ष्मण में मेघनाथ मारा गया, तो इसे कर्तृवाच्य में लिखना था आपको दोस्तों, तो कर्तृवाच्य में ने हो जाता है, ठीक है। तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में आपका ने आता है, तो ऑप्शन बी 88 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 89 नंबर, इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है। तो इति प्लस आदि जो आपका संधि है वो आपका यन संधि है, ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोपण हो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो रूपक जो है आपका 90 का ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इंग्लिश की ओर दोस्तों। तो इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, 69 नंबर, आई एम नॉट टायर्ड इनफ टू गो टू बेड येट, आई वुड स्लीप इफ आई। तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे वेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका वेंट हो जाएगा, इन्होंने मारा वुड हैव गोन, लेकिन वुड हैव गोन नहीं होगा दोस्तों, वेंट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 69 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सी रिमाइंडेड
फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ दोस्तों, सी रिमाइंडेड द पेपर्स, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका चूज़ करना था, तो ये जो ऑप्शन डी है आपका 70 का, मी वेयर आई हैड टू लीव, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हु इज़ बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, तो यहाँ पर देखिए हु इज़ बेस्ट प्लेयर, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी को पता होगा हु इज़ द बेस्ट प्लेयर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर दोस्तों, आई डोंट वॉच, उसके बाद है टेलीविज़न वेरी ऑफन, तो यहाँ पर जो आपका आई डोंट वॉच नॉट नीडेड हो जाएगा, ठीक है, नॉट नीडेड जो है आपका 72 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया है, ठीक है, और ए लॉन्ग टाइम फॉर द बस, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, इन्होंने गलत मारा है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन 73 का होगा, ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर होगा, वी ऑलवेज हैव टू वेट, ठीक है, तो ऑप्शन डी 73 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आई टेलीविज़न लॉट, सॉरी यहाँ देखिए आई टेलीविज़न ए लॉट बट आई डोंट एनी मोर, तो यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूज्ड टू वॉच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी 74 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका, द कार सेल्समैन ट्राई टू बैगलड एंड ऑफर ट्रीज गैस फॉर ए ईयर, तो यहाँ पर आपको बताना था दोस्तों, द कार सेल्समैन ट्राई टू बैगलड, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो मिसलीड होगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैगल्ट का जो होता है मिसलीड होता है, तो आपका जो 75 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द आर्टिकल एक्सप्लूटेड द मेयर, तो एक्सप्लेट का होता है एक्वाइट, तो इन्होंने सही ऑप्शन मारा है, ऑप्शन बी जो है 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है क्रिकेट आई इंजॉय वॉचिंग, तो आपको जो यहाँ पे राइट आंसर होगा एक्सेप्ट होगा, ठीक है, एक्सेप्ट जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सी लिव्स इन पर्थ, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, सी लिव्स इन पर्थ, यहाँ पर ऑन जो है आपका ऑप्शन ए 78 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन था दोस्तों आपका, एज ऑफ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, 5 years लेटर ही विल टू इंड ऑफ, तो मतलब आपको उस सन का प्रेजेंट एज बताना था दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन निकाल लिया, तो 15 years जिनका भी आया होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा, तो 67 का ए 15 years आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, फाइंड द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, तो मतलब तीनों से अलग करना था, ढूंढना था कौन है, तो ये टाइगर कैट और लायन जो है तीनों सेम है, लेकिन जेब्रा जो है आपका भिन्न है, तो 66 का आपका जेब्रा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछ दिया गया है, ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो मछलियों के हृदय में आपका 2 कच्छ होते हैं, ठीक है, इन्होंने गलत मारा, कई नहीं होते हैं, सिर्फ 2 कच्छ होते हैं मछलियों के हृदय में, तो 2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 63 का। उसके बाद एक और क्वेश्चन था दोस्तों आपका, जो वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में समय जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, तो वह जो आपका खरीफ फसल होगा, ठीक है, 64 का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक साइंस से क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हेमोग्लोबिन होता है, तो इन्होंने गलत आंसर मारा है, ठीक है, जिनका भी पेपर है, तो 62 का जो आपका लाल रक्त कणिका होगा RBC, ठीक है, जिसमें हेमोग्लोबिन होता है, तो RBC लाल रक्त कणिका आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का त्यौहार है, तो ये सभी को पता होगा कि प्रकाश का जो त्यौहार है वो दीपावली है, तो 60 का ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है, तो ये जो साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है, ये आपका रोग जो है टाइफाइड होता है, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर 59 का ऑप्शन जो सी है टाइफाइड राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने हैजा मारा है तो इनका गलत हो जाएगा, टाइफाइड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था दोस्तों, नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का, तो इंग्लिश देखिए, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन शेविंग मिरर, तो शेविंग मिरर में जो यूज़ किया जाता है आपका वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो हिंदी में बता दे तो अवतल दर्पण जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, भगवद्गीता में कि भगवान
अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप हुआ था, ठीक है। तो यहाँ जो 57 का ऑप्शन डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन। उसके बाद है दोस्तों भगवान राम की रावण पर विजय का त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, तो 56 का जो डी है आपका दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 56 का। उसके बाद एक साइंस से क्वेश्चन था दोस्तों 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में अलैंगिक प्रजनन तंत्र नहीं है, तो ये जो आपका सब चीज़ है अलैंगिक प्रजनन तंत्र है तीनों है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा उक्त से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मैथ से क्वेश्चन था दोस्तों, दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है केवल शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या है, तो इसका जो आंसर आपका होगा C 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, इन्होंने 1/4 मारा है, तो 1/2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद था एक रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों, यदि आई को कूट 35 लिखा जाए तो ऑफ को क्या होगा आंसर इसका, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे के वीडियो में मैं आपको पूरा आंसर बताऊंगा दोस्तों, तो जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाया हूं आपको किया हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के आंसर 100% एक्यूरेट देखने के लिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।